हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 100% में। और आज हम बात करने वाले हैं होंडा शाइन की, और सिल्वर रिंग नहीं रोकती है उसके बारे में हम बात करेंगे। और आज चेक करेंगे कि इस गाड़ी में ऐसा होता क्यों है और क्या कारण होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए, जैसे कि मैं कोई दूसरा नया अपडेट डालूंगा तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं फटाफट से वीडियो करता हूं स्टार्ट। दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी गाड़ी के पास होंडा शाइन, और अभी हम इसका टैंक वैंक उतार देंगे सारा, और उसके बाद हम खोलेंगे इसको और फिर हम बताएंगे कि इसमें करना क्या है हमको और कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं फटाफट से इसको टैंक वैंक उतार देता हूँ और उसके बाद हम इसका कैप वगैरह खोल लेते हैं और उसके बाद हम बताएंगे कि इसको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। दोस्तों हमने इसकी टैंक उतार दिया है, अब हम इसका हेड कवर खोलेंगे जिससे आपकी गाड़ी स्लो रनिंग नहीं रोकती है, वही मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्लो रनिंग की, स्लो रनिंग आपकी गाड़ी क्यों नहीं रोकती है वही हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। मैंने ये टैंक वैंक उतार दिया है और अभी मैं ये जो है हेड कवर, इसका हेड कवर खोलने वाला हूँ। एक नट ये खोलना पड़ेगा मुझे, और एक यहाँ साइड में होगा ये नट, एक ये नट खोलना पड़ेगा। दो नट खोलेंगे हेड कवर बाहर आ जाएगा, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसको क्या करना है और कितने में रखना है। तो चलिए दोस्तों, मैं फटाफट से ये भी खोल लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, हम ये नट खोल लेते हैं फटाफट से, ये 10 की टी लगा के। तो मैं इसको खोल लेता हूँ, मैंने यहाँ से खोल लेना है। दोस्तों ये आ चुका है हमारा बाहर, और बाहर करने के बाद हमें इसका टॉप मिलाना पड़ेगा। टॉप मिलाने के बाद सबसे पहले हम इसका पार्ट चेक करेंगे स्लो रनिंग के लिए, कि स्लो रनिंग नहीं रुक रही है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसका बाल चेक करने पड़ते हैं। बाल हमारे साइड हो जाते हैं, बाल साइड हो जाता है। तो चलिए मैं अभी चेक करता हूँ फिलर गेज से, मैं इसको स्टार्ट करूँगा, प्रैक्टिकली बताऊँगा। पहले वीडियो मैंने गैप बताया था कि इतना रहता है, और इस वीडियो में प्रैक्टिकल बताऊँगा कि आपको इसका गैप कितना रखना है और करके भी दिखाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, मैं फटाफट से इसको चेक कर लेता हूँ, टॉप मिला लेता हूँ। दोस्तों टॉप मिल चुका है हमारा, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, यहाँ ये निशान और ये निशान बराबर रहते हैं तो टॉप मिल जाता है। बाकी यहाँ से भी चेक होता है मैग्नेट से, मैग्नेट से मैंने किया नहीं जब कवर खोला है, तो हमें मैग्नेट खोलने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, और ये वाला हमारा टाइपिट जो है बिल्कुल ठीक है, और ये वाला टाइपिट जो है बहुत टाइट है, ये देख पा रहे होंगे आप, ये बिल्कुल नहीं हिल रहा है, ज़रा सा भी नहीं हिल रहा है। तो इसको ही हमने ढीला करना है, और मैं अभी फिलर गेज लेता हूँ और इसको सेट करके लगाता हूँ और फिर बताता हूँ आपको गैप कितना रखना है। दोस्तों मैं ला चुका हूँ फिलर गेज, फिलर गेज में मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कितना कितना रखना है गैप, और उसके बाद मैं करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको चेक करना है। तो आपको नेट वाला वाल जो है आपको 0.8 mm रखना है, इनलेट दिखा रहा हूँ मैं आपको, पत्ती है 0.8 mm, और एडजस्ट वाला वाल आपको रखना है ये 0.9, ये देख लीजिए। और अभी मैं इसके हिसाब से चेक करता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं फटाफट से इसको चेक करके दिखा देता हूँ आपको। तो हम इसको हल्का सा ढीला कर लेते हैं इस टाइप से, ऐसे हमको ढीला करना पड़ेगा। उसके बाद ये पुलर लगाना है, इस पुलर को इस टाइप से लगाना है और इस टाइप से हल्का ढीला करना है, और उसके बाद हमारे गेज से चेक करना है, फ्लर गेज से कि ये कितना हो रहा है। तो मैं भी इसको चेक कर लेता हूँ, हल्का ढीला कर लिया है मैंने, भी मैं ये फिलर गेज लगाता हूँ 0.9 mm वाला ऊपर की साइड, और इसको इस टाइप से लगाना है और इस टाइप से चेक करना है कि ये एकदम फ्री होना चाहिए, टाइट नहीं जाना चाहिए, देख पा रहे होंगे आप। चलिए मैं थोड़ा सा नज़दीक से दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल नज़दीक से देखिए एकदम फ्री जा रहा है ये। चलिए दोस्तों, ये हमारा हो चुका है सेट, अभी हम इनलेट वाला सेट कर लेते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले इसमें गेज लगा के चेक करेंगे, क्योंकि इसमें प्ले पहले से ही है, अधिकतर ये वाला बाल आपका टाइट होता है, ये नहीं होता है। तो मैं इसमें पहले गेज लगा के चेक करूंगा कि ये सेट है या फिर ये भी टाइट हो रहा है, और फिर उसके बाद मैं इसको, अगर टाइट होगा तो इसको ढीला करूंगा और सेट होगा तो इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। तो ये बिल्कुल सेट है, मैंने इसमें पिलर गेज लगाया है तो एकदम सेट आ रहा है, ये ऊपर वाला हल्का टाइट था, मैंने वो वाला बना दिया है। ये देखिए, आपको करना उसी प्रकार से है, आप एक फिलर गेज मंगा लेना और उसके हिसाब से करेंगे तो आपकी गाड़ी में कभी स्लो रनिंग की दिक्कत नहीं आएगी। ये देख पा रहे होंगे आप, ये गेज एकदम बढ़िया से काम कर रहा है। चलिए दोस्तों, ये हो चुका है हमारा कंप्लीट। दोस्तों इसको अभी हम फिटिंग कर लेते हैं, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो अभी मैं इसमें कवर लगा लेता हूं, और उसके बाद हम इसको स्टार्ट करके चेक करेंगे रनिंग रोक रही है या नहीं रोक रही है। दोस्तों गाड़ी हो चुकी है हमारी कंप्लीट, और अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूं और चेक करते हैं कि इसकी रनिंग कितनी रुकी है कितनी नहीं रुकी है। तो मैं इसे फटाफट से किक मार लेता हूं और चेक कर लेता हूं इसकी रनिंग।
दोस्तों गाड़ी हमारी ओके एकदम रनिंग रोक रही है बढ़िया से और एक्सीलेटर भी फुल पकड़ रही है, देख पा रहे होंगे आप हल्का सा दे रहा हूँ एक्सीलेटर और बढ़िया पकड़ रही है और रनिंग भी अच्छा खासा रोक रही है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।